हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हो, ये मैंने जो चैनल बनाया है जासिन जे व्लॉग, तो उसमें मैं कुछ चीज़ आपको बताना वाला रहता हूँ। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जो मैं चैनल पे नहीं बताता हूँ, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सीरियसली रहना पड़ता है। आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा कि भाई बहुत बार आप कुछ मेहनत करते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या जॉब करते हो, जो भी चीज़ करते हो, स्ट्रगल तो हर चीज़ में है। आप चाहते हो कि भाई आपकी फैमिली को आप अच्छी लाइफ दे सके, मतलब आपके पापा मम्मी आप पे प्राउड फील करें कि भाई मेरा बच्चा इतना अच्छा जॉब करे, इतना ज़्यादा कमा रहा है, और आप सबकी मदद करना चाहते हैं। और परेशानी तो हर किसी की लाइफ में रहती है, आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ऐसी परेशानी होगी कि कभी कभी लगता है यार सब परेशानी मुझे ही क्यों देते हैं। पर आपको अपने आप पर भरोसा रखना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग ऐसा कहते थे, अरे मैंने एजाज इंजीनियर अपने चैनल के पीछे क्यों लगाया है? आपको क्या लगता है भाई, मुझे ऐसे शौक है? नहीं यार, मैंने इंजीनियरिंग किया हूँ। पर एक वक्त ऐसा आया था, लोग बोलते ना भाई इंजीनियर करने के बाद ऐसा है कि भाई हम रोड पे खड़े होके कोई पत्थर मारेंगे तो कोई ना कोई को एक इंजीनियर को लगेगा। मतलब इतने ज़्यादा इंजीनियर हो गए हैं कि भाई उन्हें जॉब भी नहीं मिल पा रही है। अब मुझे जैसे कि कैंपस में सिलेक्शन हुआ था, मैं शॉर्टकट ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो मैं आपको बताने वाला रहता हूँ कि भाई उससे आपको भी शायद कुछ एक्सपीरियंस मिले, और मुझे भी अच्छा लगता है। भाई आप मेरी फैमिली हो तो मुझे आपको बताना अच्छा लगता है। तो उसमें ऐसा रहता कि भाई इंजीनियर इतने ज़्यादा हो गए थे और एजाज खान नाम से भी बहुत सारे बंदे रह गए थे। तो एक मेरे सर थे, उन्होंने मुझे कहा था कि एक काम कर, तुझे कोई नहीं पहचानेगा, तो अपना कुछ यूनिक नाम रख। तो मैंने बोला क्या नाम रखूँ? तो बोलते ऐसा नाम रख जो अभी तक किसी का नहीं होगा, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड में तेरे ही अकेले होगा। तो मैंने बोला भाई नाम तो एजाज है। बहुत दिन सोचा हूँ मैंने, बाद में समझ में आया कि भाई एजाज है, इंजीनियर रख लेते हैं। पर पहले पहले बहुत सारे लोग हंस रहे थे, अरे यार इंजीनियर हो के तेरे पास यही काम बचा है। पहले मैं क्या करता था, अलग कंटेंट पे वीडियोस बनाता था। मतलब पहले मैं मोटिवेशनल वीडियोस लोगों को कुछ बताता था, और उसके साथ साथ पेन रोटेशन, पेन घुमाना, बुक घुमाना, तो लोग बोलते थे अच्छा काफ़ी अच्छी इंजीनियरिंग की आपने, लोगों को इस तरीके के बेवकूफ़ वाले यानी चीज़ें करके दिखा रहे हैं। बहुत बार डीमोटिवेट भी हो गया मैं। ऐसा हो गया कि भाई मेरे सब्सक्राइबर 10-15 बढ़ते थे, मैं खुद होके दूसरे के मोबाइल पर जाता था और मैं बोलता था भाई एजाज इंजीनियर चैनल है, सब्सक्राइब करो, अच्छा लगेगा। कभी कभी मैं उन्हें पार्टी भी देता था, क्योंकि वो सब्सक्राइब करते थे। मुझे उस टाइम पे ज़्यादा नॉलेज नहीं था, मुझे बस लगता था कि भाई लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने। तो लोग बोलते थे इंजीनियर किया और ये काम कर रहा है, भाई इससे अच्छा तू रिक्शा चला, कम से कम रिक्शा चला में तेको कुछ अर्निंग तो होगी, कुछ तो भी कमाएगा। यूट्यूबर बनने के बाद क्या होगा तेरा, इंजीनियर बन गया जॉब कर। पर मुझे यानी इंटरेस्ट किसी और चीज़ में था, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किया हूँ। पर बोलते ना भाई किस्मत कुछ और ही चाहती है आपसे, तो इस तरीके से मैंने बस हार नहीं माना। बहुत बार मैं डिमोटिवेट होता था, मैं जॉब भी करता था, मेरा अलग से एक जॉब था, मैं वो जॉब भी करता था, उसके साथ साथ मैं यूट्यूब पर वीडियोस भी बनाता था। पहले मैं वीडियोस अलग टाइप के बनाता था, जैसे कि आप जानते हो मेरे वीडियोस जाकर देखेंगे पर अभी नहीं मिलेंगे, मैंने 600 वीडियोस डिलीट किया वो मेरे जो चैनल है एजाज इंजीनियर, फिर 600 वीडियोस डिलीट किया। उसके बाद एक चैनल मेरा चलने लगा, 20-30 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए थे मेरे, उसमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। पर मेरे जितने सब्सक्राइबर बढ़ते थे, क्योंकि मेरे एक वीडियोस वायरल हो गए थे जिसके कारण मेरे अचानक से सब्सक्राइबर बढ़ गए थे, जिसके 15 हज़ार बढ़ गए। आप उसमें से मैं कुछ और कंटेंट की वीडियोज डाल रहा था, तो जो लोगों को मेरे वो वीडियोज़ नहीं मिल रहे तो वो मुझे अनसब्सक्राइब कर रहा था। मैं डिमोटिवेट हो जाता था, बहुत ज़्यादा उदास रहता था कि यार एक दिन में मेरे 10 सब्सक्राइबर कम, फिर 15, फिर 2 बढ़ते थे, फिर अचानक से 30 कम, 50 कम, ऐसा कम होते जाते थे। तो मुझे काफ़ी यानी निराश होती थी, पर फिर भी हार नहीं मानना यार, भाई कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो फिर मेहनत करते गए करते गए, फिर धीरे धीरे लोग पहचानने लगे कि भाई आपको स्पॉन्सरशिप देंगे, धीरे धीरे कोई कंपनी से बात हुई है, फिर एजेंसी, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते गए अपन। फिर अचानक से टिकटॉक बैन हो गया, फिर हार मान गए, अरे यार अब क्या होगा, टिकटॉक पे तो वीडियोज बनाता था मैं। फिर मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं यार, जो होता है शायद अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, तो इंशाल्लाह मैंने बोला और तरक्की करूंगा मैं। फिर आगे बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, फिर स्नैक्स वीडियोस मिला मुझे, स्नैक्स वीडियोस पे मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाया, अच्छे खासे मेरे सब्सक्राइब हो गए। अचानक से स्नैक्स वीडियोस बैन हो गया, अरे मैंने बोला ये क्या हो रहा है यार, जो भी चीज़ में हम वीडियोस बना रहे हैं वो बैन होने पर आ गया है। फिर अचानक से थोड़े दिन तक मैंने वीडियोस नहीं बनाया, फिर दूसरे दूसरे वीडियोस बनाने लग गया। फिर उसके बाद मुझे लगा नहीं यार भाई, फिर मैं दूसरे के यूट्यूबर्स को भी देखता था, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कभी कभी कोई यूट्यूबर्स मुझे पसंद आते थे, किसी किसी के मुझे वीडियो देखते ये लगते थे भाई ये बंदा कुछ भी बता रहा है, जिसको उसके बारे में नॉलेज नहीं है बंदा वो चीज़ें बता रहा है। तो मुझे लगता था भाई नहीं यार, मैं मुझे भी ये कंटेंट पे वीडियोज़ बनाना चाहिए जबकि मुझे उसके बारे में नॉलेज है। तो मैं क्या करता था, इस तरीके से वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम रील्स पर वीडियोज़ बनाया, पहले एम एस टकाटक पर बनाता था, फिर मोज जोश, फिर मुझे लगा कि भाई जो
प्लेटफॉर्म अच्छा है जो मैं आपके लिए बना सकता हूँ। तो मैंने फिर MS टकटक पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, वो प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा था। मुझे में ऐसा था कि भाई अगर आप फेमस पहले से हुए हैं तब जाके आपको वहाँ पर वो चीज़ें मिलेंगी, पर MS टकटक नहीं देते, तो इसके कारण मैंने फिर MS टकटक पर वीडियोस बनाने लग गया। फिर मोज के बारे में पता चला, मोज पे बनाया, फिर जोश पे बनाया, रूपों से चिंगारी पर ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाया। फिर अचानक से टिकी एप्स आ गया, तो फिर मैंने दूसरा चैनल क्रिएट किया जिसमें मैं कॉन्सेप्ट के बारे में बताता था, बाल काले हैं तो क्यों है, हमारे दांत सफेद रहते हैं तो क्यों रहते हैं, आकाश ब्लू कलर का क्यों है, सिलेंडर जो रहते हैं लाल कलर के ही क्यों रहते हैं, बस कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाता था। फिर मुझे लगा कि भाई ये लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर मैंने टिकी एप्स पे ये वीडियोस बनाते हैं उसके साथ उसमें डालने लगा। तो मैंने कहा भाई टिकी एप्स बहुत ही अच्छा चलेंगे, इसके कारण मैंने अलग से चैनल बना लिया। फिर ये चैनल बना लिया, दोनों चैनल अलग शुक्र है बहुत अच्छे चल रहे हैं, आप लोग का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से भाई मैंने अपने इसमें चल रहा था मेरा, फिर मैंने ये ब्लॉग चैनल बनाया ताकि भाई आपको सब कुछ बता सकूं। देखिए भाई उतार चढ़ाव लगे रहता है, यहाँ तक एक वक्त ऐसा आता है कि भाई घर वाले भी आपके सपोर्ट नहीं करते। मेरे घर वालों ने भी बहुत ज़्यादा मना किया है, अरे क्या वीडियोस बनाते रहता, टाइम पास करते रहता है, कुछ मेहनत कर, तूने इंजीनियर किया है, कम से कम कोई कैंपस के थ्रू तेरा सिलेक्शन भी हो गया तो कोई जॉब कर, दूसरे स्टेट में जा, दूसरे सिटीज़ में जा। पर मैंने कहा ना भाई मुझे नहीं करना है, मैं थोड़ा सा बहुत बार रहता है ना कि भाई 8 से 4 आपको जॉब करना है, उतने ज़्यादा आप सक्सेस नहीं पाएंगे। अगर आपको अच्छे बड़े ड्रीम्स है, आपके कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आप जॉब मत कीजिए, बिजनेस कीजिए। तो मैंने बोला कि भाई बिजनेस तो बिल्कुल सही है, पर उसके लिए मेरे पास वक्त भी चाहिए। तो मैंने बोला कुछ मेरे एकदम थोड़ी अर्निंग हो जाए जहाँ से मैं अपने बिजनेस में पैसा लगा सकूँ। उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हो, फिर उसके बाद मुझे धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें मालूम होते गई है, मैं फिर आपके लिए वीडियोज़ बना गया। आपका सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिला है, ट्रूली मैं बता रहा हूँ, आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि भाई सपोर्ट मिल रहा है, तो इसके कारण मैं और ज़्यादा आगे बढ़ते गया। तो आज आपके सामने हूँ इस तरीके से कि भाई घर वाले भी कभी कभी आपको डिमोटिवेट करते हैं, तो हार मानने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप जैसा चाह रहे हैं वैसा कीजिए, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है बिल्कुल कीजिए, एक वक्त ऐसा है घर वाले खुद सपोर्ट कर देंगे। आज ऐसा है कि मेरा भाई मेरे मम्मी खुद मेरे वीडियोस बार बार देखते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें पसंद आता है कि भाई लड़का कुछ मेहनत कर रहा है। भाई ऐसा रहता ना कि भाई आप मेहनत कीजिए, अगर आपकी किस्मत में मेहनत लिखी है तो बिल्कुल मेहनत कीजिए, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। आपको लगेगा नहीं यार भाई रातों रात आप एकदम से स्टार बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं होता है, सालों लग जाते हैं, मेहनत करते रहते हैं, अचानक से एक वीडियो आपका वायरल होता है, लोगों को उसके बारे में पता चलता है, पर आपकी वो साल भर की मेहनत देखते हो, लोगों को लगता है कि भाई लक है। लक कुछ नहीं होता है भाई, आप मेहनत करते हो और मेहनत के बाद एक दिन आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो लोगों को लगता है ये लक है। लक नहीं, बस मेहनत करते जाइए, और जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है बिल्कुल वो कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। मम्मी को भी समझाइए, पापा को भी समझाइए कि भाई मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में, मैं ये चीज़ करना चाहूँगा, और बिल्कुल आप स्टार्ट कीजिए जो भी चीज़ अच्छी लगती है। आज देखिए मैं पहले वीडियोस कैसे बनाता था, मैं खड़े होकर वीडियोस बनाता था, जो भी है पहले कंडीशन अलग थी। मैं आपने कभी भी मेरे वीडियोस में देखेंगे ऊपर जो छत रहती थी मेरी वो सीमेंट शीट रहती थी, काफ़ी गर्म हो जाता था, मुझे पसीना भी होता था, तो उसके कारण मैंने वो बंद कर दिया, क्या बोलते पंखा चालू कर देता, आवाज़ आती थी, तो बहुत सारी अजीब अजीब। पर अभी ऐसा हो गया कि भाई आपने मेरा जैसे सेटअप देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें जिसके रूम्स है, कीबोर्ड्स है, पहली बार वायरलेस माउस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जैसे कि प्रिंटर है, लैपटॉप है, कलर प्रिंटर है, दिस इज़ माय ट्री, और सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, कोई चीज़ की कोई कमी नहीं है, और ऊपर भी अच्छा है, यानी सब कुछ अच्छा है, तो अच्छा लगता है। तो इसके कारण आप भी मेहनत करते जाइए, बिल्कुल हार मानने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ भी कमेंट डाउट्स रहता है लाइफ के बारे में भी मुझे बस कमेंट्स कीजिए ना, है ना, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, इस चैनल पर कर दिया कीजिए। ओके, तो बस अगली बार अलग व्लॉग बनाएंगे, अभी के लिए तो ये काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।